नमस्कार दर्शकों, विशेष खबर में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष खबर में आज हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन या कहें वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन सिरसा के अध्यक्ष लालचंद गोदारा जी, और उन्होंने हाल ही में एक हिसार में हुई चैंपियनशिप में 3 मेडल सिरसा को दिलाए हैं। आज उस चर्चा में हमारे साथ खुद लालचंद गोदारा जी मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें ये खेल की प्रेरणा इस उम्र में भी कहां से मिली है। लालचंद जी, पहली बात तो आपका सबसे पहले हमारे स्टूडियो में स्वागत है जी। आपका स्वागत है सर। हाल ही में हिसार में जो चैंपियनशिप हुई है, ये 29वीं हरियाणा स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें आपने 3 मेडल जीते हैं जिसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। यस सर। और इससे पहले भी आपके गले में हमें दिखाई दे रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और कांस्य पदक भी आप जीत चुके हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आपके जीवन परिचय के बारे में बताइए। मैं छोटी उम्र में स्कूल के अंदर जी, नुईयावाड़ी स्कूल में मैंने मैट्रिक तक की थी जी। मैट्रिक बीच में छोड़ के मैं क्योंकि उस टाइम चाइना ऑपरेशन था और सिपाहियों की मतलब मिलिट्री की भर्ती बहुत ज़रूरी थी देश की सेवा करने के लिए, तो हमारा भी मन ये करा कि पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है लेकिन अगर देश बचेगा तो देश की सेवा के लिए चाइना ऑपरेशन में हम भर्ती हो गए। फिर उसके बाद चाइना ऑपरेशन के फौरन बाद जी 1965 में फिर युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने किया और 65 के लास्ट के अंदर मैं देश की सेवा कर चुका और मैंने फिर देश में अन्न का उस टाइम बहुत ज़्यादा कमी थी और शास्त्री जी का ये अभियान था कि जो नौजवान आज देश की सेवा कर रहा है तो ये देश की सेवा अन्न उगाना भी है, इसलिए मैं प्रेरित होकर और मिलिट्री से सेवा समाप्त करके और आ गया। 1 साल तक किसानी करी और उसके बाद फिर मैं ट्रांसपोर्ट में आ गया। यानी कि आप आर्मी की सेवा करने के उपरांत 3 लड़ाइयां लड़ने के बाद हाँ जी आप घर पर खेती करने आए। हाँ, उसके बाद आपने परिवहन विभाग में रोडवेज में नौकरी की। हाँ जी। और नौकरी करते हुए आपने कर्मचारियों की आवाज को बुलंद भी किया और आपने यूनियन भी बनाई, तो आपने जो यूनियन बनाई उसका क्या नाम था और कब तक आपने उसको संभाला? हमारी यूनियन का नाम था हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन जी, जिसने पहला एजिटेशन हमने 1974 में जी किया सरकार के खिलाफ, तो उसमें हमें 31 दिन की जेल भी हुई, जो सरसा जेल है ये मंदिर के पास, इसमें हम 31 दिन काटे और उसके बाद हमारे को बाहर छोड़ा। और एमरजेंसी 74 में जो एमरजेंसी थी, मैं तो आज यही कहूँगा कि एमरजेंसी उस टाइम हमारी एमरजेंसी के अंदर ही कांग्रेस ने हमें अंदर किया था और वो मुकदमे 3-4 साल तक चले, हम भुगतते रहे लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटे। 86 के अंदर फिर लड़ाई होगी हमारी और 86 के अंदर हमारे गिरफ्तारी वारंट थे, हमने लुक छिप के काम किया और आखिर में 75 से लेकर और 77 तक युद्ध करते रहे। फिर ये जनता पार्टी की सरकार आ गई 77 में और हमारे को फिर ये वो पुराने मुकदमे वापस हो गए। और उस टाइम 65 के अंदर नहीं 75 के अंदर कम से कम 40-50 हज़ार आदमियों पर मुकदमे थे। यानी आप कई साल तक कर्मचारियों की लड़ाई, हितों की लड़ाई लड़ी आपने और आखिर में रिटायर रोडवेज से कब हुए आप? मैं 2002 में 2002 में आप परिवहन विभाग से रिटायर हो गए। उसके बाद में आपने खेलों की तरफ रुझान किया जो बचपन से था आपका, पर नौकरी के दौरान आप वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हाँ जी। तो 2002 के बाद आपने खेलों की तरफ रुझान किया, तो अब तक आप कितने कंपटीशन जीत चुके हैं? मैं कम से कम ये मेडलों वाले तो जो है 2 दर्जन है जी, और वैसे जनसेवा वाला जैसे नेकी की दीवार हमने 1.5 साल तक चलाई, लोगों ने जो कंबल दिए फ्री में हमने
पूरे 8 स्टेटों के अंदर हमने वो कंबल फ्री बांटे और दिए, और बिना समाप्त के आपने लगभग 8 घंटे तक रोज नेकी की दीवार पर सेवा भी की। सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक हम कंटिन्यू बैठ के लोगों को बांटते थे। यानी आपकी समाज सेवा और खेल की भावना को देखते हुए सरकार ने 2013 में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था जी, 1,00,000 रुपया दिया जी। और सिरसा में एक साल पहले जब मैराथन हुई तो इसका आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और उस रेस के अंदर भी आप 11 किलोमीटर में शायद प्रथम आए थे। पहला था मेरा काम जी, पहला मैं विनर था उसमें 11 किलोमीटर में। तो सर आप खेल के अलावा और क्या क्या करते हैं? जैसे पौधे लगाना जी, बेटी पढ़ाना और बेटी को जन्म स्थान पर सुरक्षा करना जी, ये हमारा दायित्व है। और स्टेडियम के अंदर इस बार भी हमने 200 पौधे अपने पल्ले से लेकर और लगाए हैं। बेटी बढ़ाना, बेटी सिखाना, ये सब कुछ हम करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सरसा के अंदर, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, हम परेड करते हैं और वो एक देखने के लायक होती है, जिसकी कमांड जो है लाल चंद गुदारा करते हैं। यानी उसमें लगभग एक कहें कि सीनियर सिटीजन लगभग 60 और 80 साल के बीच के बुजुर्ग हैं जो परेड करते हैं, 60 साल से ऊपर जी। और हमारे पास एक आदमी 95 साल का भी जो परेड करता है वो शामिल होता है। और वो शुरुआत आपने की थी? शुरुआत हमने करी जी, ये 2010 में। सर आप जो अभी इस उम्र में, जब बुजुर्ग लोग कहते हैं 60 के बाद बुजुर्ग हो जाता है कि वो चारपाई में बैठ जाते हैं, इसके बावजूद आप नियमित रूप से अभी भी स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ दौड़ लगाते हैं, आप योगा भी करते हैं, आप जो अपनी प्रैक्टिस है हैमर थ्रो की, डिस्कस थ्रो की या शॉट पुट की है जिसमें आपने गोल्ड मेडल जीता है अभी, तो वो अभ्यास भी करते हैं, तो क्या और दूसरे बुजुर्ग हैं, क्या आप उनको भी साथ लेकर कोई प्रेरणा देते हैं इस तरह की? ऐसा करते हैं जी, छोटे नौजवानों को ज़्यादा, बच्चों को मैं ज़्यादा प्रेरित करता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं होता। छोटा बच्चा जो है मेरे साथ 20-20, 30-30 बच्चे दौड़ते हैं, उनके साथ मैं दौड़ता हूँ, और उसके साथ साथ नौजवानों को प्रेरित करता हूँ कि नशा नहीं करना जी। नशा करोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा खानदान भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए नशे का अभियान जो है वो हम पूरी तरह से हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। क्योंकि मिलिट्री के अंदर रहते हुए, आर्मी में रहते हुए मैंने दारू नहीं पी, शराब नहीं पी, और अब तक भी कोई शराब का यूज नहीं करता। और वरिष्ठ नागरिकों को केवल यही कहता हूँ कि घर चारपाई पर नहीं बैठना। बुजुर्ग पुराने कहते थे कि ऊंट और जिम्मेदार अगर चारपाई पर बैठ गया तो गोडे डल जाएंगे, वो मर जाएगा। आप खेल के साथ में शिक्षा में भी रुचि रखते हैं, जैसे आपने बताया कि आप जब 10वीं की परीक्षा आप दे रहे, बीच में छोड़ के आप आर्मी के अंदर गए, क्योंकि उसमें देश को आपकी जरूरत थी हाँ। लेकिन वह इच्छा आपकी दब गई थी उस समय, लेकिन उस इच्छा को आप फिर से पूरा कर रहे हैं, और अभी आप CDLU से डिस्टेंस एजुकेशन से हाँ जी BA की परीक्षा भी दे रहे हैं, आपने सेकंड ईयर की परीक्षा हाल ही में दी है हाँ जी। तो आज इस मंच पर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे कि युवा आने वाले समय में जो पथ भ्रष्ट हो चुके, कुछ युवा चाहे वो नशे के प्रति गए हैं या वो कुछ और उनके अंदर बुराइयां आ गई हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ उन युवाओं से एक ही प्रार्थना करता हूँ जी कि ये जिंदगी जो आदमी को मिली है ये दोबारा नहीं मिलनी। इसमें अगर तुम पथ भ्रष्ट हो गए या अपना शरीर खो लिया, माँ बाप का इंटेंशन बढ़ा दी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर देश नहीं है तो हम नहीं है, और अगर देश फला फूला है, हरा भरा है, ये नौजवानों की ड्यूटी है। इसलिए सुबह शाम हम स्टेडियम के अंदर 2 घंटे कम से कम नौजवानों के साथ घूम कर और उनको प्रेरित करते हैं कि नशा नहीं करना, किसी हालत में नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और खेल के अंदर रुचि करना, ये मेरा दायित्व है। मैं इस समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ये आर्मी में सिखाया था जी, आर्मी के अंदर सेवा करने का सिखाया था कि देश की सेवा, जब तक आपके दम में दम है देश की सेवा करना, तो आज ये समाज की सेवा, ये देश की सेवा। तो दर्शकों, ये लाल चंद गुदारा जी के सर्टिफिकेट हमारे सामने हैं, तो अभी 29, 28 और 29 दिसंबर को हिसार के अंदर
29 हरियाणा स्टेट मास्टर एथलेट चैंपियनशिप हुई, जिसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल शॉर्ट पुट में और दो सिल्वर मेडल जीते हैं। इस उम्र में, इनकी उम्र आज 77 इयर्स है और ये 75 प्लस जो एज ग्रुप था उसके अंदर हाल ही में खेल कर आए और सिरसा के लिए 3 मेडल जीतकर सिरसा का गौरव बढ़ाया। तो हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप भी यदि इनसे कुछ प्रेरणा ले सकें तो यह सार्थक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।